Hi friend, this is Asim Yimek calling Prince from Law Faculty at DU. Today I would like to discuss a landmark case of Code of Criminal Procedure 1973 which is mentioned in our case mat. केस का नाम है संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये 2012 केस है। इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में जो एक्यूज्ड एपिलेंट होता है उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज होता है, जिसमें कहा जाता है कि एक्यूज्ड एपिलेंट ने टेलीकॉम सर्विस जो है वो इन एलिजिबल कंपनी को भी अलॉट कर दिया है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को ह्यूज लॉस से सफ़र करना पड़ा है। तो जब एक्यूज्ड एपिलेंट जो है वो बेल के लिए अप्लाई करता है सीबीआई कोर्ट में, तो सीबीआई कोर्ट जो है इस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, और फिर जब अपील होती है बेल एप्लीकेशन के लिए हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट भी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। तो फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। पहला, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस केस में जो एक्यूज्ड एपिलेंट है वो ट्रायल से भाग नहीं रहा, और साथ ही साथ किसी भी विटनेस या फिर किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि एक्यूज जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कॉपरेट कर रहा है, और साथ ही साथ उसका जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहती है कि जो पर्सनल लिबर्टी है हमारे संविधान में वो बहुत ही पेडेस्टल, यानी कि हाई पेडेस्टल पर रखा गया है, यानी कि पीक पोजीशन पर रखा गया है, और सिर्फ बहुत सारे लोग अगर ये कहते हैं कि उस आदमी को जेल के अंदर डाल देना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट उसको अंदर डाल देगी जेल के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहती है कि ये जो बेल का जो, यानी कि बेल ग्रांट करने का जो ऑब्जेक्ट है वो ना ही पुनेटिव है ना ही प्रिवेंटिव है, यानी कि ना ही रक्षात्मक है और ना ही दंडात्मक है। तो बेल, अगर कोई भी आदमी अगर बेल के लिए अप्लाई करता है और अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसको बेल ग्रांट कर देना चाहिए क्योंकि इस फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के ग्राउंड पर बेल ग्रांट कर देना नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत है, तो कोर्ट जो है उसको बेल ग्रांट कर देगी। तो इस केस में कोर्ट का फाइनल डिसीजन ये होता है कि कोर्ट जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट, एक्यूज्ड एपिलेंट को बेल ग्रांट कर देती है। तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।